Hello dear, welcome to all of you. Today we are going to discuss on Wings of Courage, next part, page number 16 and 17. First of all, I already read the page number 15, and this is the second video which is I already made on Wings of Courage. Okay, so let's start. Paragraph number 1, page number 16, paragraph number 1. Already all of you seeing on the screen. Okay. In the recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross DFC on the spot by the Supreme Allied Commander of East Asia, the first Indian pilot to have received it. यहाँ पे बताया जा रहा है वीरता के तौर पर उनको पहचाना गया जाना गया और उनको Distinguished Flying Cross DFC के अंतर्गत चिन्हित किया गया और उनको सुप्रीम एलीट कमांडर साउथ ईस्ट एशिया के ऑफिसर थे उनके द्वारा इनको प्रथम भारतीय पायलट के रूप में पुरस्कृत किया गया. सिंह वॉज सेलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल फोर्स RAF Cornwall in 1938 when he was 19 years old. Arjan Singh Binsingh ko pure pilot training course ka leader chuna gaya aur wo training center ka naam Royal Air Force RAF Cornwall 1938 ke antargat aata hai. When he was 19 years old, कब उनको चुना गया जब वो 19 साल के थे. He retired from the service in 1969 और सर्विस से उनका रिटायरमेंट 1969 में हुआ. नेक्स्ट पैराग्राफ. सिंह वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 15, 1999. सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1919 में हुआ था इन लायलपुर नाउ फैसलाबाद पाकिस्तान. लायलपुर में हुआ था इस समय वह एरिया वह क्षेत्र फैसलाबाद पाकिस्तान में है. एंड कंप्लीटेड हिज एजुकेशन और उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की थी एट मॉन्टगोमरी नाउ शिवल पाकिस्तान. शाहीवल पाकिस्तान मॉन्टगोमरी में जो कि इस समय पाकिस्तान में है. हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बीइंग कमीशन्ड वाज टू फ्लाई वेस्टलैंड वेप्टी biplanes in northwestern frontier province as a member of the number 1 RIF squadron. unki jo pehli assignment thi wo fly westland vapti biplanes ki thi. jaisa ki yahan pe biplanes ka definition diya gaya hai ek purane prakar ka aircraft jisme ki do pankh hote hain aur ek upar ki taraf pankh laga hota us aircraft ke wo असाइनमेंट के रूप में चुने गए. और वो कहाँ पे है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो क्षेत्र नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में आता है एज अ मेंबर ऑफ नंबर 1 और उनको एक प्रथम सदस्य नंबर 1 सदस्य के रूप में चुना जाता है किसमें इस RAF स्क्वाड्रन में. अब RAF एक सेना की टुकड़ी है उस टुकड़ी का उनको सेना का मुख्य अधिकारी ऑफिसर चुना जाता है. After next paragraph, after a brief stint with a newly formed number 2 RAF squadron where the Marshal flew against the tribe's forces, he later moved back to number 1. यानी कुछ समय के पश्चात यहाँ पे बताया जा रहा है कि a brief stint का मतलब होता है थोड़े समय के लिए काम करना. यानी उन्होंने कुछ समय के लिए नए रूप में जो है दूसरे नंबर पर कार्य किया RAF स्क्वाड्रन के लिए जहां पर वेयर मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्राइब्स जहां पे उनके मार्शल जो है
वो ट्रेवल के फोर्स के अगेंस्ट में फ्लाई कर रहे थे. ही लेटर मूव्ड बैक टू नंबर वन और कुछ समय के पश्चात फिर से उनको नंबर वन पे चुन लिया जाता है. स्क्वाड्रन अर्थात कुछ टुकड़ी का नंबर वन सेना का ऑफिसर चुन लिया जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखिए क्या बताया जा रहा है. एज ए स्क्वाड्रन एज ए फ्लाइंग ऑफिसर किस रूप में चुना गया था उनको, फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में, टू फ्लाई द हॉकर हरिकेन और उन्होंने हॉकर हरिकेन इस फ्लाइट को उड़ाया था. ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944 और उनको प्रमोटेड किया गया स्क्वाड्रन लीडर के रूप में 1944 में. ओके नेक्स्ट पैराग्राफ. फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कम्बैट ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस डीएफसी इन 1944 यानी सफलतम रूप में स्क्वाड्रन कम्बैट के उस टुकड़ी के सफलतम ऑफिसर के रूप में उनको डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस डीएफसी के में पुरस्कृत किया गया 1944 में. ऑन अगस्त 1947 अगस्त 1947 में ही अचीव्ड द यूनिक ऑनर ऑफ लीडिंग और उनको एक अद्वितीय ऑनर से सम्मानित किया गया. फ्लाई पास्ट ऑफ ओवर 100 आईएफ एयरक्राफ्ट लगभग 100 से ज्यादा आईएफ एयरक्राफ्ट को उन्होंने रेड फोर्ट इन दिल्ली में उड़ाया था. फ्लाई पास्ट का मतलब यहां पे दिया गया है, देखिए, ए सेरेमोनियल फ्लाइट एंड एयरक्राफ्ट क्रॉसिंग ओवर अ प्लेस. ठीक. नेक्स्ट पैराग्राफ. आफ्टर हिज प्रमोशन प्रमोशन के पश्चात टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर उनको विंग कमांडर की उपाधि मिली. ही अटेंडेड द लॉर्ड स्टाफ कॉलेज और उन्होंने रॉयल स्टाफ कॉलेज को जो कि यूके में है ज्वाइन किया. इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ही कमांडेड अंबाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन और जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ उनको अंबाला रैंक का ग्रुप कैप्टन चुना गया. इन 1949 में ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमांडर एंड टुक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग और उनको एयर कमांडर और फिर बाद में एयर ऑफिसर कमांडिंग के रूप में सेलेक्ट किया गया ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड और उनको एक ऑपरेशनल कमांड सौंपा गया विच लेटर बाद में केम टू बी नोन एज द वेस्टर्न एयर कमांड और वो बाद में वेस्टर्न एयर कमांड के रूप में जाने गए. ओके नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखिए क्या बताया जा रहा है. सिंह हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर मींस सिंह जो है एक लंबी अपनी पहचान बनाया अपनी गौरव अपनी प्रतिभा को प्राप्त करने में. उन्होंने लगभग टेन्योर अपनी कुछ कार्यकाल को बिताया एज एओसी ऑफ एन ऑपरेशनल बेस एओसी में एक ऑपरेशनल बेस में इनिशियली फ्रॉम 1949 टू 1952 निश्चित तौर पे 1949 से 1952 तक का समय था एंड देन अगेन फ्रॉम और फिर बाद में वो दोबारा 1957 टू 1961 में तक कार्यरत थे. आफ्टर हिज प्रमोशन उनके प्रमोशन के पश्चात टू द रैंक एयर वाइस मार्शल उनको रैंक दिया गया एयर वाइस मार्शल के रूप में. ही वॉज अपॉइंटेड एज द और उनको नियुक्त किया गया एओसी इन सी. एओसी इन सी मतलब एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में उनको नियुक्त किया गया ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड एक ऑपरेशनल कमांड के लिए. नेक्स्ट पैराग्राफ. टूवर्ड्स द एंड ऑफ 1962 वॉर 1962 के अंत में युद्ध के अंत में ही वॉज अपॉइंटेड उनको चुने गए एज द डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ उनको एयर स्टाफ के डिप्टी चीफ चुना गया एंड ही बिकेम द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन 1963 और बाद में वो वाइस चीफ बनते हैं एयर स्टाफ के 1963 में. ही वॉज द
ओवरऑल कमांडर ऑफ द ज्वाइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज। लगभग लगभग उनको ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का कमांडर नियुक्त किया गया। शिक्षा हेल्ड बिटवीन आईएएफ और उनको ज्ञान दिया गया, आईएएफ आरएएफ रॉयल एयरफोर्स जिसको कहते हैं एंड राफ रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स में उनको एक्सेप्ट किया गया। पैराग्राफ यहाँ पे देखिए, ऑन अगस्त 1st 1964 इन द रैंक ऑफ ए मार्शल द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह। अगस्त 1 अगस्त 1964 में रैंक ऑफ एयर मार्शल के में द मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह टुक ओवर रेंस ऑफ आईएएफ और उनको उपाधि मिली, मतलब उनको कंट्रोल मिल गया किसके ऊपर, किसके ऊपर, आईएएफ के ऊपर। ओके, एट अ टाइम व्हेन इट वाज स्टिल रिबिल्डिंग, उसी समय जब उसका निर्माण हो रहा था, इटसेल्फ वाज अ ग्रेटिंग गियरिंग अप टू मीट न्यू चैलेंजेस, उनको एक नई चुनौती स्वीकार करने का, एक नई चुनौती का सामना करने का फिर से तैयारी करना पड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ, सिंह वाज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग। सिंह जो है वो पहले एयर फ्लाइंग चीफ थे जिन्होंने क्या किया, टू कीप फ्लाइंग करेंसी, उन्होंने अप टू द डेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। फ्लाइंग करेंसी का मतलब यहां पे दिया गया है, देखिए, टिल हिज कैस रैंक सीएस रैंक तक। ओके, हैविंग फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, उन्होंने लगभग 60 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के एयरक्राफ्ट को उन्होंने उड़ाया, फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर युद्ध वर्ल्ड विश्व युद्ध के पहले, सेकेंड एरा बायप्लेन्स टू मोर कंटेम्पररी गैंट्स एंड वैम्पायर्स। ही आल्सो फ्लोन एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बाद में उन्होंने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को उड़ाया, द सुपर कॉन्स्टलेशन, किस रूप में, सुपर कॉन्स्टलेशन के रूप में। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, इन 1965 में वैन पाकिस्तान लॉन्च इट ऑपरेशन, जब पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन को लॉन्च किया ग्रैंड स्लैम के रूप में, विद एन आर्मर्ड थ्रस्ट टारगेटेड, और वो एक अस्त्र शस्त्र सुसज्जित अर्थात उन पे हथियार की नोक पे रखा गया, एट द वैचल टाउन टू अखनूर। सिंह लेड आईएएफ, और सिंह जो है उस समय आईएएफ को लीड कर रहे थे थ्रू द वॉर विद करेज, साहस के साथ, डिटर्मिनेशन एंड प्रोफेशनल स्किल, यानी एक दृढ़ निश्चय के साथ और एक व्यवसाय के की कौशल्यता के साथ। ही इंस्पायर्ड आईएएफ टू विक्ट्री, और वो आईएएफ को विक्ट्री विजय दिलाने के लिए काफी प्रेरित हुए, डिस्पाइट द कॉन्स्ट्रेंट्स इम्पोज्ड, डिस्पाइट द कॉन्ट्रेंट इम्पोज्ड। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, मनाही जिसको बोलते हैं उस रूप में। ओके, नेक्स्ट यहां पे बताया जा रहा है वो आप देखिए, ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कमबैक पावर, और उनको पूर्ण पावर दे दिया गया, किस चीज के लिए, इंपोज्ड करने के लिए एयरफोर्स कमबैक पावर को। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, सिंह वाज अवार्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज एस्ट्यूट लीडरशिप। सिंह को पद्म विभूषण से नवाजा गया, किस रूप में, एक शार्प और इंटेलिजेंट लीडरशिप के लिए ऑफ एयरफोर्स ड्यूरिंग द वॉर, एयरफोर्स को संभालने के लिए युद्ध के समय। सब्सिक्वेंटली इन रिकॉग्निशन ऑफ एयरफोर्स कंट्रीब्यूशन, निश्चित तौर पर देखा जाए तो उनकी जो पहचान है एयरफोर्स में योगदान का, ड्यूरिंग द वॉर युद्ध के समय द रैंक ऑफ सीएस वाज अपग्रेडेड, और सीएस का रैंक जो है उस समय काफी ऊपर उड़ गया था, एंड अर्जन सिंह बिकेम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल, और अर्जन सिंह जो है प्रथम एयर चीफ मार्शल भारतीय एयरफोर्स के बन गए। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही रिमेंड अ फ्लायर, ही रिमेंड ए फ्लायर टू द एंड ऑफ हिज टेन्योर इन आईएएफ, और उन्होंने
उनको याद किया जाता है अपने उस कार्यकाल के अंत में। एक फ्लायर के आईएफ के फ्लायर के रूप में जाने जाते हैं। विजिटिंग फॉरवर्ड बेसिस, यहाँ पे बेसिस का मतलब दिया गया है ए सिक्योर्ड अपवर्ड ऑपरेटिंग मिलिट्री, कहने का मतलब वो यात्रा किए अर्थात अपनी यात्रा के दौरान या विजिट किए थे किसी भी ऑपरेटिंग मिलिट्री को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट एंड यूनिट्स और कड़ियों में एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रंस, और वो स्क्वाड्रंस यानी सेना की टुकड़ियों के भी साथ फ्लाई करते थे। ही रिटायर्ड इन अगस्त 1969, उनका रिटायरमेंट अगस्त 1969 में हुआ। Thereupon, इसके पश्चात एक्सेप्टिंग, उन्होंने स्वीकार किया एम्बेसडरशिप टू स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर बन गए। ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, और उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का बनाया गया दिसंबर 1989 में। उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया दिसंबर 1989 to 1990। नेक्स्ट में आप देखिए, having been a source of inspiration to all the personnel of armed forces, armed forces through the years, और वो एक उनको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना गया, स्वीकार किया गया आर्म फोर्सेस के लगभग थ्रू द इयर्स कई सालों तक। द गवर्नमेंट कंफर्म्ड द रैंक ऑफ द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, सरकार ने रैंक निश्चित किया द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अपॉन अर्जन सिंह इन जनवरी 2002। अर्थात एयरफोर्स के में एक पद, एक मार्शल पद का रैंक निर्धारित किया गया और उस रैंक का नाम अर्जन सिंह के नाम से दिया गया, जिसका के शुभारंभ जनवरी 2002 में हुआ। मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड द ओनली फाइव स्टार, जिन्होंने उनको प्रथम फर्स्ट फाइव स्टार रैंक ऑफिसर से नवाजा गया विद इंडियन एयरफोर्स, किसके रूप में, इंडियन एयरफोर्स के रूप में। ओके डियर, आशा करते हैं ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। अर्जन सिंह की ब्रेवरी की पूरी कहानी है, एयरफोर्स में उन्होंने किस तरह से अपना चमत्कार दिखाया, अपना जलवा दिखाया, और आज पूरी दुनिया उनको सल्यूट करती है और सम्मान के साथ आज अर्जन सिंह एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं हमारे, खास करके एयरफोर्स डिपार्टमेंट के लिए। आज की यंग और नवयुवक जो हैं, आज उनसे कुछ सीखते हैं, उनसे कुछ प्रेरणा लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पॉइंट को यहीं पे रोकता हूं। आपका चैप्टर ऑन विंग्स ऑफ करेज 1.3 फिनिश्ड होता है। इसके आंसर और क्वेश्चन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में पीडीएफ के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।